दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस के बारे में जानेंगे। यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल लेंगे और इजीली उसको समझ पाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। वीबीए में हम अपने टास्क को ऑटोमेट करते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है। एक्सेल को या फिर वीबीए को या फिर कंप्यूटर को पता नहीं होता है, उसमें अपना कोई लॉजिक लगाने का दिमाग नहीं होता है। सिर्फ हमें ही उसको बताना होता है कि आपको किस तरह से काम करना है। हमें सारे स्टेप्स को बहुत ही क्लियर तरीके से बताना होता है, अदरवाइज़ कोई ना कोई एरर आ जाएगी। तो अपने कोड को और मैक्रो को एरर फ्री बनाने के लिए हमें देखना होता है कि कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए। पहली वैल्यू कहाँ पर होनी चाहिए, कहाँ नीचे जाना है, कौन सा सेल का रेफरेंस देना है, कहाँ पर कॉपी करना है, कहाँ पर पेस्ट करना है, ये सभी हमें ही ध्यान रखना होता है। कंप्यूटर का या एक्सेल का अपना कोई लॉजिक नहीं होता है। इसी लॉजिक को कम करने के लिए, एरर फ्री बनाने के लिए हम एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस का यूज़ करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे पास में यहाँ पर एक समरी का डाटा है। बहुत सारी सेल होती है हमारे अलग अलग जगह पर, मंथली यहाँ पर मेरे पास सेल है। तो यहाँ पर मुझको डाटा लेके आना है, इन सेप्टेम्बर, अगस्त और जुलाई का डाटा मुझे उठा के समरी में लेके आना है। यहाँ पर ऑलरेडी डला हुआ है, लेकिन इसके नीचे नीचे मेरे को डाटा ये लेके आना है, ये मेरा टास्क है। जब हम मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा सेल कहीं भी हो सकता है, हो सकता है यहाँ पर ये डाटा सेलेक्ट हो, लेकिन हम चाहते हैं, क्योंकि इसके लिए एक्शन क्या होगा, जब ये ऑटोमेशन होगा, एक फ्लो चार्ट अगर हम बनाएंगे तो किस तरह से होगा कि सबसे पहले जो सेल है वो A1 सेलेक्ट हो, फिर यहाँ से हम लोग नीचे जाएं, कंट्रोल डाउन एरो की करके एक और डाउन एरो की नीचे करें, इसके बाद सेप्टेम्बर पे आए, यहाँ पर सेल A2 पे आए, देन यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डाउन हो, देन राइट की, देन कंट्रोल सी हो, फिर से वापस समरी पे आए और यहाँ पर आकर ये पेस्ट हो जाए। पेस्ट होने के बाद में ये अगस्त पे आए, अगस्त के में भी A2 पे आएगा, फिर ये डाटा को सेलेक्ट करेगा सिमिलर तरीके से जैसे हमने सितंबर में किया था, फिर वापस से समरी पे आएगा और फिर से A2 पे आने के बाद में बिल्कुल कंट्रोल और डाउन एरो की करते हुए हम लोग नीचे आएंगे और वहाँ पर पेस्ट करेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए अपना एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए हमें पता है कि क्या करना होता है, बट हम इसकी रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं कि किस तरह से रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ऑल्ट F11 प्रेस करेंगे और विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसको फिट कर लेते हैं, विंडो राइट एरो की करते हुए। अब इससे यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कोड हो रहा है। अब इससे हमें पता चल जाएगा कि जब हम मैक्रो की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो जो कोड है वो किस तरह से जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्रो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम एब्सोल्यूट, शॉर्टकट की इसकी नहीं डालते हैं और यहाँ पर ओके कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मॉड्यूल कौन से बन के आ रहा है, मॉड्यूल 2 में ये लिखना आना चाहिए। ठीक है, मॉड्यूल 2 में आ गया है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब डेवलपर टैब पे आएंगे और यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट रेफरेंस वाला जो सेल है वो ऑन नहीं है, एक्टिव नहीं है। ठीक है, ऑफ है। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा कि हमारा सेल कहीं भी कोई भी सेलेक्ट हो सकता है, लेकिन वो सेलेक्ट होने से पहले सबसे पहले A2 पे आना चाहिए या फिर A1 पे आना चाहिए। इसके बाद कंट्रोल पेज डाउन, फिर एक सेल और नीचे आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे सितंबर में, यहाँ पर A2 को सेलेक्ट करें, शिफ्ट कंट्रोल पेज डाउन, देन राइट हैंड साइड और कंट्रोल प्लस सी कॉपी, वापस से समरी पे आए और यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट रेफरेंस में हो गया। अब हम इसको स्टॉप कर लेते हैं। स्टॉप करने के बाद में एक और शीट बनाते हैं, इसमें यही डाटा को कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब हम फिर से वही टास्क करते हैं, लेकिन अब की बार हम रिलेटिव रेफरेंस वाले ऑप्शन को ऑन रखेंगे। मैक्रो स्टार्ट, यहाँ पर लिखते हैं ओके कीजिएगा, यहाँ पर कोड बनना स्टार्ट हो गया है। इस बार हम लोग इसको ऑन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम A2 को सेलेक्ट करेंगे। अब आप देखिएगा ये कोड हुआ कैसे, एक्टिव सेल जो मैंने पहले यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ था
वहाँ से ऑफसेट की वैल्यू आई है, ठीक है। यहाँ पर आया था रेंज ए टू डायरेक्टली सेलेक्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पर हो गया एक्टिव सेल से 18 सेल ऊपर गया और ज़ीरो राइट हैंड साइड में गया, ठीक है, अप हुआ है ये, और रेंज ए वन सेलेक्ट हुई है। तो अब जो ए वन की जो रेंज है वो ये मानी जाएगी, 18 सेल ऊपर होगा। तो इट मीन्स नेक्स्ट टाइम जब हमारा कर्सर यहाँ पर होगा कहीं पर भी, तो वो अपसाइड में आएगा, जबकि ना कि यहाँ पर आएगा, वो ए वन नहीं रहेगा, ठीक है। वैसे ये ए वन का जो कोई है कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इसकी, चलिए कोई बात नहीं। अब इसके बाद में हम कंट्रोल डाउन एरो की करते हैं, फिर एक और डाउन एरो की करते हैं, इसके बाद से हम लोग आते हैं सेप्टेम्बर वाले इसमें, और यहाँ से हम ए टू को सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट डाउन, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, देन राइट एरो की, कंट्रोल सी, वापस से शीट टू पे आते हैं, कंट्रोल वी, और इसको हम स्टॉप कर लेते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि किसने वर्क ठीक से किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ डाटा को हटा देता हूँ और इसको हम लोग रन करके देखते हैं, ठीक है। पहले हम ये वाला रन करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो ऊपर वाले में जो है डाटा वो अपने आप से लिया और डिलीट कर दिया, ये समरी पे आके काम किया है इसने, ठीक है, ना कि जिस शीट में मुझे चाहिए था वहाँ पर नहीं आया, ये समरी में जाके इसने कॉपी किया है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो शीट थी वो हमने यहाँ पर समरी वाली ली हुई थी, ना कि हमने शीट वन ली हुई थी, लेकिन पूरा का पूरा डाटा जो है ठीक नहीं आया है। अब अगर हम रिलेटिव रेफरेंस में लेंगे और शीट टू पे आएंगे और यहाँ से हम कुछ डाटा को हटा देने के बाद में अंडू करेंगे और यहाँ पर कहीं भी रखने के बाद में हम इसको रन करेंगे, तो देखिए हमारे पास में एरर आ गई है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये माइनस 18, मेरा जो करंट रेफरेंस था वो था A3, A3 में माइनस 18 जा ही नहीं सकता है। तो हमने रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस का कॉम्बिनेशन लेना होता है, ठीक है। तो अब इसको हम स्टॉप करेंगे पहले तो, और अब की बार हम जो रिकॉर्डिंग करेंगे उन दोनों में हम कॉम्बिनेशन लेंगे, ठीक है। फिर देखिएगा किस तरह से काम करता है, फिर परफेक्टली काम करेगा। अब हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं एक बारी और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब हम समरी टू पे नया एक मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हम वापस से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे एब्सोल्यूट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, ओके बटन प्रेस करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे सबसे पहले देखिए एक्टिव ये रिलेटिव जो रेफरेंस है ये ऑन है। तो मुझे हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि कर्सर चाहे कहीं भी हो करंट, लेकिन वो तुरंत ए टू पे आना चाहिए। तो मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए कि करंट सेल से 18 सेल ऊपर जाए, मुझे चाहिए कि कर्सर चाहे कहीं भी हो, कोई सा भी सेल सेलेक्ट हो, एक्शन जो फर्स्ट होना चाहिए वो होना चाहिए ए टू सेलेक्ट होना चाहिए। तो हम ए टू पे क्लिक करेंगे तो रेंज ए टू आएगी सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद रिलेटिव रेफरेंस को ऑन कर लेंगे, क्योंकि जब ए टू हो जाएगा तो मुझे डाउन जाना है, ठीक है। तो कितना डाउन जाना है वो एक फिक्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि हो सकता है इस बार तो 10 रो हैं, अगली बार हो सकता है 11 रो हों, 50 रो हों, 100 रो हों। तो मैं रिलेटिव रेफरेंस को ऑन कर लेता हूँ, अब की बार ये कितनी होगी, कितना भी चला जाए। तो यहाँ पर डाउन कंट्रोल और डाउन एरो की, ठीक है, फिर एक डाउन एरो की और जाना चाहिए। अब हम इसको ऑफ कर लेते हैं। अब फिर से हम सितंबर पे आएंगे, सितंबर में आने के बाद में अब सितंबर पे जब आएंगे तो हमें पता है कि जो फर्स्ट रो है उसमें तो डाटा रहेगा, उसमें तो हेडर रहेगा, हेडर हमें कॉपी नहीं करना है, हमें ए टू से लेके नीचे कितनी भी रो हो सकती हैं तो ए टू सेलेक्ट होना चाहिए। और फिर से हम इस रिलेटिव रेफरेंस को सेलेक्ट कर ले सकते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, नीचे हमारे पास में 10, 20, 30, 40, 50 कितनी भी रो सकती हैं, तो उनको सेलेक्ट करने के लिए हमें रिलेटिव रेफरेंस का को ऑन करना है। इसके बाद में शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो की, फिर राइट एरो की, और फिर इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से इसको ऑफ कर लेते हैं। इसके बाद हम आएंगे समरी टैब पे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद में अब फिर से हमें तीसरी शीट का भी डाटा लेके आना है, लेकिन हमें आना है यहाँ पर। अभी तो ये
टोटल 6 7 रोज़ हैं, हो सकता है 17 हो, 70 हो, तो हमें पता नहीं है, हमें फिर से वही टास्क करना पड़ेगा। हम वापस से A2 पे आएंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो रिलेटिव रेफरेंस है वो नहीं होना चाहिए, एब्सोल्यूट रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अब हमें नीचे आना है, तो नीचे आने के लिए हमें रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करना है, देन कंट्रोल डाउन एरो की, देन एक सेल नीचे आना है। अब हमें जाना है अगस्त में। अब यहाँ से हमें इसको ऑफ कर देना है और हमें A2 को सेलेक्ट करना है, देन इसको ऑन करना है रिलेटिव रेफरेंस को, देन शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की एंड देन राइट एरो की और कॉपी, और फिर से वापस समरी पे आना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फिर से वही चलाना है, तो वापस से A2, लेकिन A2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव रेफरेंस को हटाना पड़ेगा और A2 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सही तरीका है जो हमने अभी अपनाया है, लेकिन इसकी हमें टेस्टिंग करनी है, तभी पता चलेगा कि हमारी मैक्रो ठीक रन हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं स्टॉप, रिकॉर्डिंग हो गई स्टॉप, जो कोड है हमारा ये वाला, ये हो गया है, बन के रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको करना है क्लोज, इसको मैक्सिमाइज कर दीजिए। अब यहाँ से मैं कुछ डाटा को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और सेव करता हूँ इसको। सेव करने के बाद हम लोग मैक्रोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखेंगे, ये वाली रन करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और रन पे क्लिक करेंगे, परफेक्टली कॉपी हो रहा है, ठीक है, हमारा डाटा आ गया है। अब यहाँ पर दोबारा से मेरे को सितंबर और अगस्त को ऐड करना है, तो फिर से हम लोग मैक्रोज पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और रन पे क्लिक करेंगे, फिर से देखिए ये ऐड होता चला गया है। तो इस तरह से हमने जो अपना टास्क था, पहले तो वो मैनुअल था और सिर्फ यहाँ पर 2 शीट हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास में जनवरी से लेकर सेप्टेम्बर तक आ रहा है, लेकिन ये टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं। उन सबको कंप्लीट करने के लिए कि अपने टाइम को मैं किस तरह से सेव कर पाऊँगा, हमने एक मैक्रो को रिकॉर्ड किया और एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस के डिफरेंस को भी हमने जाना है। इसकी फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जब आपको एरर आती है तो उसको कैसे आप ठीक कर पा रहे हैं, ये एकदम से आपको हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको समझ आया है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि और किस तरह के वीडियो हमें बनाना चाहिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ कम बैक अगेन फॉर लेटेस्ट VBA एक्सेल टैली रिलेटेड वीडियोज़।